हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक भी है वो भी स्वास्थ्य पे है पूरी तरीके से। यानी आज के दो टॉपिक होंगे, एक तो है मोटापा और दूसरा रक्तदाब। इन दो टॉपिक के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य आने वाले समय में हमारे लिए एक बेहतरीन गारंटी साबित हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसी को आगे जाके एक प्रकार से जाना जाएगा, उसको काम मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसको पहचाना जाएगा। यानी एक प्रकार से हमारी जो हेल्थ होगी वो हमारी सक्सेस की एक प्रकार से गारंटी होगी। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का पहला टॉपिक हमारे सामने मोटापा है, यानी कि ओबेसिटी। मोटापे बोलते हैं ओबेसिटी, और किस कारण से फैलता है वो तीन कारण आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखते हैं वो कारण कौन कौन से हैं। पहला, भोजन ऊर्जा जो कैलोरी के रूप में सेवन की जाती है और जो प्राप्त ऊर्जा होती है, यानी जो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है वो भी कैलोरी के रूप में प्राप्त होगी, किलो कैलोरी के रूप में। उसके बीच में जब असंतुलन होता है, उसके बीच में क्या होता है बच्चों, असंतुलन, तब जाके मोटापा पैदा होता है। अगला, सरल वसा का सेवन करने से, जैसे घी का सेवन करते हैं, वनस्पति तेल का सेवन करते हैं, इसके दौरान भी मोटापा बढ़ जाता है। सरल वसा क्या होती है? सरल वसा वो होती है जिसके अंदर ये समतृप्त वसा जो होती है ना, उसको बोलते हैं सरल वसा, ठीक है। फास्ट फूड, त्वरित भोजन, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, यानी कि फास्ट फूड जिसको त्वरित भोजन भी कहा जाता है, इसमें आते हैं आपके पिज्ज़ा, बर्गर और नूडल्स। यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में फ्लेवर होंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे जीभ का जो स्वाद होगा वो पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाएगा। यानी कि हमारी जो जीभ होगी इस फास्ट फूड के गुलाम हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो प्रत्येक अवस्था के अंदर, किशोरावस्था हो या प्रत्येक वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब फास्ट फूड का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं। और जो एक प्रकार से देखा जाए तो फास्ट फूड को कहा जाता है स्लो पॉइजन, यानी कि धीमा जहर, जो धीरे धीरे अपनी वसा की मात्रा बढ़ाएगा और एक प्रकार से धीमे जहर की तरह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उसके बाद फास्ट फूड के बाद अगर बात की जाए तो एक और फूड होता है बच्चों, जो नॉर्मली स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सेवन किया जाता है, कैंटीन में खरीदते हैं, जंक फूड। और जंक फूड में यही आते, जैसे आपके चिप्स हुए, कुरकुरे खाते हो आप लोग टेढ़े मेढ़े करके, या पहले से टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये जो सेवन करते हैं इसमें भी वसा की कहीं ना कहीं मात्रा होती है और ये होता है जंक फूड। क्या होता है बच्चों? जंक फूड होता है। बाहर बारिश हो रही है बेहतरीन, और आज देखा जाए तो तापमान भी बिल्कुल कम हो चुका है, तो आनंद उठाते रहिए बारिश का। प्रभाव देखिए, प्रभाव इससे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। वसा की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी, और त्वचा मोटी हो जाएगी। वसा की मात्रा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि त्वचा पे जो आंतरिक परत होगी वो बढ़ेगी। और ज़रूरी नहीं होता कि जो ये वसा होती है वो प्रत्येक जंतु के लिए एक प्रकार से प्राण देने वाली होती है, यानी कि सुरक्षा करने वाली होती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ ध्रुवीय भालू होते हैं, बर्फ़ वाले भालू होते हैं, उनमें वसा की परत पाई जाती है त्वचा पे, जो उनकी सर्दियों सुरक्षा करती है। लेकिन यहाँ पे जो वसा की मात्रा बढ़ेगी वो त्वचा जो मोटी होगी वो जन्म देगी किसको? मोटापे को। किसको जन्म देगी बच्चों? मोटापे को जन्म देगी। और उसके बाद रक्त दाब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रक्त दाब बढ़ जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपना दूसरा टॉपिक यही है, रक्त दाब। हृदय रोग बढ़ेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो धमनियों पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो एक प्रकार से एक द्रव बनता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक प्रकार की वसा ही होती है। मधुमेह, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इकट्ठा होता है, संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कि ये ग्लाइकोजन में संचित होता है,
लेकिन जैसे ही वसा की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लाइकोजन अत्यधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होती है वो एक प्रकार से बढ़ा देता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक शुगर की मात्रा बढ़ेगी, और शुगर एक प्रकार से जन्म देगा उस रोग को जिसको बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज, और स्थानीय भाषा में बोलते हैं शुगर नामक बीमारी। अस्थि संबंधी रोग यानी कि अस्थि सांद्रित्य कुछ रोग होते हैं जिसके अंदर हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, वसा की मात्रा बढ़ेगी तो एक प्रकार से जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है शरीर की, वो भी बढ़ती है। द्रव्यमान भार बढ़ेगा जिसके कारण हड्डियों पर एक प्रकार से दबाव पड़ता है, यानी कि जो जोड़ होते हैं उस पर दबाव पड़ता है, और एक प्रकार से अस्थि संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। अगला है हाइपरटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तनाव, अत्यधिक तनाव जो होता है उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटेंशन। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं, क्योंकि स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि वसा की मात्रा होगी तो एक तो शरीर बिगाड़ेगी, और दूसरा साथ में मानसिक क्रियाएं, यानी एक प्रकार से गुस्सा करना, क्रोध करना, चिड़चिड़ापन एक प्रकार से होना अपने दिमाग के अंदर, और ये धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी, और जिसके कारण उसकी मानसिक क्रियाएं भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। यानी छोटे बच्चे होते हैं वो अगर सेवन करते हैं तो उनका जो मानसिक विकास होता है, उनकी जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो एक प्रकार से दुष्प्रभावित होती है। उसके बाद अपने देखे अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। अवटु ग्रंथि को कहा जाता है थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है, इसके बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं थायराइड ग्रंथि, और वो निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो सबसे जो आवश्यक तत्व होता है हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वो होता है आयोडीन, उसका निर्माण भी नहीं होगा। उस प्रक्रिया को कहा जाता है अवटु ग्रंथि निष्क्रिय, यानी कि हाइपो थायराइडिज्म, इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि अवटु ग्रंथि होती है वो एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाती है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो मोटापे के अंदर जैसे कुछ ना कुछ पैमाने होते हैं मापने के लिए, ठीक है, जैसे स्केल होता है, उसी प्रकार से एक कैलकुलेटर होता है जिसको बोलते हैं BMI। क्या बोलते हैं बच्चों? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपकी साइंस में सबसे पहली फुल फॉर्म शुरू हो चुकी है, बहुत सारी फुल फॉर्म आएगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शरीर भार सूचकांक। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो कितना स्वस्थ है शारीरिक रूप से, उसका पता लगाया जाता है BMI के द्वारा। यानी कि वो अंडरवेट है या ओवरवेट है, या फिर पूरी तरीके से अपने वेट को मेंटेन किए हुए, यानी कि वजन को नियंत्रित किए हुए हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर कि इसमें किस किस का अनुपात लिया जाता है। इसमें जो अनुपात होता है वो एक तो होता है शारीरिक लंबाई, शारीरिक लंबाई, और जो भार होता है, शरीर का जो भार होता है उसका रेशियो लिया जाता है, यानी कि उसका अनुपात लिया जाता है, ठीक है। तीन कैटेगरी होती है जिससे पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। जैसे अगर BMI कैलकुलेटर आपके स्मार्टफोन में भी होता है, या फिर इसको अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से BMI कैलकुलेटर लिख के, और उसमें क्या होता है कि आपको तीन कैटेगरी मिलेगी। उन तीन कैटेगरी के अंदर आपका जो शरीर होगा वो शो करेगा कि उसके अंदर डाटाबेस जो होता है, डाटा दिखाते हैं, वो शो करेगा कि आपकी जो लंबाई कितनी है। आप लोग ऐड करोगे उसके अंदर
जैसे ही आप अपनी लंबाई, जैसे मान लो मेरी जो लंबाई है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात कर लेते हैं, मेरी जो लंबाई है वो है 5 फुट 7 इंच, ठीक है। भार जो है वो है 65 kg, यानी कि 65 किलोग्राम, यानी ऑप्शन के अंदर आपको ये उसमें फीड करना होता है, ऐड करना होता है। और जैसे उसके अंदर आप लोग ये दो चीज़ें ऐड करोगे, क्योंकि उसमें अनुपात इसका ही होता है, अपने आप वो कैलकुलेट करेगा कि शारीरिक लंबाई और भार का अनुपात, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये दो चीज़ फीड करोगे तो रिज़ल्ट में आपको शो करेगा, जैसे मेरा रिज़ल्ट बताता हूँ आपको, 23.7 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वेयर, यानी कि पर मीटर स्क्वेयर या फिर वर्ग की मीटर के अंदर। तो ये वेट दिखा रहा है, मतलब ये BMI का मान होता है कि आपका जो BMI का वेट है वो है 23.7 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, ठीक है। उसके अलावा साथ में दिखाएगा आपको आइडियल वेट, साथ में आपको क्या दिखाएगा, आइडियल वेट, और उसमें आइडियल वेट था 64.7 किलोग्राम, यानी जो मैंने फीड किया था 65 किलोग्राम, वो उसका आइडल वेट जो था वो था 64.7 किलोग्राम। उसके बाद में वसा की मात्रा अलग से दिखाते हैं कि आपके शरीर में वसा की मात्रा, वजन तो अलग से दिखाएगा और जो फैट कंटेन होगा यानी कि वसा की जो मात्रा होगी उसको अलग से दिखाया जाएगा। और मेरे शरीर के अंदर अगर बात की जाए तो 18.5% वसा की मात्रा दिखाई गई है और रिजल्ट में आया है नॉर्मल, यानी कि जो मेरा जो शरीर है, खुद की बात कर रहा हूँ, वो फिलहाल अभी स्वस्थ है। और तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती है बच्चों, वो देखो, जिसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार कब होता है, कैसे होता है। अगर BMI का मान, पहली कंडीशन है BMI का मान 18 से 24.9 किलोग्राम, 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये स्थिति सामान्य स्थिति होती है, यानी वजन की सामान्य स्थिति होती है। बस आवश्यकता है उस वजन को मेंटेन रखने का, यानी कि एक प्रकार से स्थायी रूप से रखने का। इसके लिए योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी जितनी क्रियाएं होती है, खेल कूद करना, वो सब क्रियाएं कर सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर आप पूरी तरीके से, आपकी जो शरीर है वो पूरी तरीके से क्या होगा, नॉर्मल होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर दो के अंदर देखा जाए, अगर व्यक्ति का वज़न 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, BMI का मान अगर इतना 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, तब ये मोटापे की पूर्व स्थिति मानी जाती है, मोटापे की पूर्व स्थिति मानी जाती है बच्चों। यानी उस समय ये कुछ रोगों को इनवाइट करेगा, और वो रोग यहाँ पे अपने लिखा चुके हैं कि वो रोग कौन कौन से होंगे, जैसे हृदय रोग होगा, मधुमेह रोग होगा, जितने भी रोग होंगे धीरे धीरे मोटापे की जो पूर्व स्थिति होती है उस समय ये रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी उस समय आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, एक प्रकार से ये अलर्ट होने की एक प्रकार से अलार्म ही होगी, उस समय उस व्यक्ति को अलर्ट होना होगा, अपनी सारी क्रियाएं जो है उसका जो आलसपन है उसको त्यागना होगा और सारी क्रियाओं पर अत्यधिक जोर देना होगा। उसके बाद में तीसरी कंडीशन के अंदर यदि BMI का मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा दिखाता है, यानी उससे ऊपर दिखाता है, तब वेलकम टू द मोटापा, यानी कि आप या कोई भी मोटापे की स्थिति के लिए तैयार हो जाइए
और मोटापे से होने वाले दुष्परिणामों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उस समय आपके शरीर में फैट जमा हो जाएगी और मोटापा आ जाएगा, और वो कंडीशन फैटनेस की होती है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप में सुपरमैन बैटमैन नहीं होता, लेकिन वो बन सकता है अगर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे तो। वरना अगर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखेगा तो वो सुपरमैन और बैटमैन के बजाय फैटमैन बन के रह जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, तो इसके लिए मोटापा के जो कारण है ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कोई दो कारण पूछते हैं तो आपके सामने तीन है यहाँ पे। प्रभाव भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इसमें आपके सामने चार प्रभाव है, दो पूछे जाते हैं तो कोई भी दो आप याद कर सकते हो। ये जो है ना, ये इसके अंदर बस आपको BMI की जो फुल फॉर्म है ये याद करनी है, ठीक है। BMI की फुल फॉर्म याद करनी है, एक नंबर की पूछी जाती है। ये खाली आपकी नॉलेज के लिए था, ये तो आपकी बुक के अंदर भी था, ठीक है। तो कई बार अगर प्रश्न बन भी जाए कि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा हो तो वो कौन सी स्थिति होती है, वो स्थिति होती है मोटापे की पूर्व की स्थिति, ठीक है। उसके बाद अगर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं एक प्रकार से मोटापा ही। क्या बोलते हैं? मोटापा। यानी वो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो चुका है, ठीक है। कैलोरी की अपने बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपकी उम्र के जीव जंतुओं के लिए किशोरावस्था में लगभग 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि इतनी ऊर्जा की आपको प्रत्येक दिन आवश्यकता होती है आप ग्रहण करें। उसके बाद अगर वयस्क महिला की बात की जाए, उस वयस्क महिला को आवश्यकता होती है 2200 कैलोरी की। कितनी आवश्यकता होती है? 2200 कैलोरी की। जबकि वयस्क पुरुष की बात की जाए तो उस पुरुष को आवश्यकता होती है 3200 कैलोरी की। कितनी आवश्यकता होती है बच्चों? 3200 कैलोरी की। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिसके हिसाब से अलग अलग कैलोरी की जो आवश्यकता होती है वो अपने ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो वसा की ज़्यादा मात्रा न बढ़े तो आप इसमें परहेज करें त्वरित भोजन से बचने का। यानी इसमें आपको ये जो मनमोहक अलग अलग फ्लेवर की जो फास्ट फूड होते हैं, तो आपके जो जीभ होती है, तो जीभ के स्वाद होते हैं उसको एक प्रकार से इनवाइट करते हैं ये अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो आपको इनसे बचना होगा। यानी कि हफ्ते में अगर इसका एक बार सेवन करें तब भी देखा जाए तो एक बर्गर को पचने में कम से कम 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। यानी कि खाली एक बर्गर का सेवन करोगे तो उसको पचने में आपको कम से कम 2 या 3 दिन आपके अमावस्या को लग जाते हैं। यानी कि आपका जो स्टोमक होगा वो उसको पचाने में कम से कम 2 या 3 दिन ले लेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर अपने नॉर्मली बात करें, दूध वगैरह होता है तो ये आराम से 2 या 3 या 4 घंटों में आसानी से पच जाता है, तो आप इससे परहेज करें। जैसे कुछ वर्कआउट करने वाले, कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो हफ्ते में एक बार इसका सेवन करते हैं, क्योंकि जीभ एक प्रकार से देखा जाए तो फ्लेवर के प्रति प्राकृतिक रूप से आकर्षित होती है और वो अपने स्वाद को पूरी तरीके से सुखद बनाने के लिए इनका सेवन करती है। और जो व्यक्ति जीभ का गुलाम बनता है वो आगे जाके इस बीमारी का भी गुलाम बन जाता है, जिसको बोलते हैं मोटापा। क्या बोलते हैं बच्चों? मोटापा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटापे का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, और बचने के उपाय यही है कि आप कसरत करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें। अगर ये चीज़ें बोरिंग लगती है तो आप खेल कूद करें, जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो अनावश्यक कैलोरी होती है उसको बर्न करती है, यानी एक प्रकार से हटाती है। वसा की मात्रा आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उस खेल के अंदर स्टेमिना की आवश्यकता होती है, तो वो खेल भी आप खेल सकते हैं। ये नहीं कि मोबाइल में लेके बैठ गए वहीं पे फुटबॉल खेल ली, आपको मैदान में जाना पड़ेगा तब जाके आपकी वसा की मात्रा कम होगी,
और आपका जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा होगा। तो बच्चों ये आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अगर वैसे कोई आवश्यक नहीं, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आज का आखिरी टॉपिक है रक्त दाब। रक्त दाब कहते किसको है? रक्त वाहिनियों में जो एक वाहिनी होती है जिसको बोलते हैं धमनी, जिसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो शुद्ध रक्त हृदय के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, हृदय एक सहायक अंग होता है, वैसे फेफड़ों के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, जो वापस शरीर के अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, उस रक्त वाहिनी को बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं बच्चों? धमनी बोलते हैं। तो धमनी में रक्त दाब रक्त द्वारा प्रवाहित होने पर जो दाब पैदा होता है, यानी कि जो दाब उत्पन्न होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं बच्चों? रक्त दाब बोलते हैं। और इसको सबसे पहले परिभाषित किया था कोपलन ने, कोपलन वैज्ञानिक ने 1983 के अंदर इसकी परिभाषा दी थी। और जो अपने देख सकते हैं कि रक्त वाहिनियों में धमनी में जो रक्त द्वारा प्रवाहित होने वाले दाब को क्या बोलते हैं? रक्त दाब बोलते हैं। अगर पूछे कि परिभाषा किसने दी थी तो आपका नाम लेना है कोपलन। वर्ष इसमें नहीं पूछते लगभग, अगर आप लोग लिखना चाहे, अगर पूछा जाए तो साथ में वर्ष आप याद करके लिख सकते हैं। 1983 में कोपलन ने इसकी परिभाषा दी थी, ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की, रक्त दाब की। उसके बाद में मानव का रक्त दाब, मानव का रक्त दाब किस प्रकार से इसमें एक प्रकार से कैसे प्रभाव डालता है, कैसे कार्य करता है वो देखते हैं कि मानव का रक्त दाब किस प्रकार से उत्पन्न होता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना, किसकी मांसपेशियों का सिकुड़ना? हृदय की, ठीक है, हृदय की मांसपेशियों का सिकुड़ने के दौरान जो अवस्था पैदा होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टोलिक अवस्था, यानी एक प्रकार से इसको परकुंचन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? परकुंचन भी कहा जाता है, परकुंचन, सिकुड़ना, सिस्टोलिक। जिसका मान होता है यानी एक प्रकार से दबाव पैदा होता है उसको HG यानी कि मरकरी यानी पारे के अंदर डिनोट किया जाता है, मिलीमीटर पारा। 120 इसका मान होता है, यानी कि 120 अगर मात्रा आ रही है तो एक प्रकार से मांसपेशियां सिकुड़ रही है। उसके बाद हृदय की मांसपेशियां अगर फैल रही है तो वो अवस्था कहलाती है डायस्टोलिक। कौन सी अवस्था कहलाती है? डायस्टोलिक अवस्था, जिसको बोलते हैं शिथिलन, यानी कि हृदय की मांसपेशियों का फैलना, जिसमें इसका मान होता है 80 mmHg, 80 mmHg। इसलिए एक स्वस्थ मानव का जो रक्त दाब होता है, रक्तचाप होता है, उसका मान एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको लिखना है 120 mmHg, या फिर सीधा ही 120 पर, यानी कि डिवाइड mmHg। 120 जो संख्या होती है वो ये दर्शाती है कि हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ रही है, सिकुड़ने के दौरान जो रक्त दबाव पैदा हो रहा है वो जो है वो होता है 120 mmHg। और उसके अलावा अगर जो फैल रही है, हृदय की मांसपेशियां फैल रही है, तो उस स्थिलन अवस्था में जो मान होता है वो होता है 80 mmHg। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ मानव का रक्त दाब कितना होता है, 120 डिवाइड 80 mmHg, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, तो उसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये बहुत ही लंबा नाम है अंग्रेजी के अंदर जो है, स्फाइग्नोमैनोमीटर, यानी अलग अलग पार्टों में इसको बोल के याद कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार में तो इसका उच्चारण ढंग से ही नहीं होगा। जैसे स्फाइग्नो, स्फाइग्नो इतना बोल दिया तो उसके बाद में बोलो मैनो, उसके बाद में बोलो मीटर, यानी स्फाइग्नो मैनो
मीटर। उसके बाद में इसको बोलते हैं रक्त दाब मापी। जो इससे लिखने का पंगा नहीं लेंगे तो वो ज़रूर लिखेंगे कि रक्त दाब मापी, या फिर इसको बोलते हैं रक्तचाप मापी। क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापी, या फिर स्थानीय भाषा में अपने बोलते हैं बीपी की मशीन। क्या बोलते हैं? बीपी की मशीन। देखा होगा डॉक्टर अपने पास रखता है एक गुब्बारे नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, एक उसका पार्ट होता है, और उसको जैसे दबाएगा यानी यहाँ पे एक पट्टा लगाएगा, उस पट्टे के दौरान वो टाइट बांधेगा बिल्कुल। नलिकाएं होती है जो एक मीटर से जुड़ी होती है, उसमें पारा भी होता है, इसलिए यहाँ पे पारा जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। और जैसे ही वो उस गुब्बारे से दबाव डालेगा तो उस दौरान एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, एक प्रेशर बनेगा यहाँ पे अपने मांसपेशियों में, और उसके बाद जैसे ही छोड़ेगा तो वो जो अंत में जो मान होता है वही मान अपना होता है एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब, वो इतना होता है 120 डिवाइड 80 mmHg। ठीक है, अगर नब्बे से 120 mmHg यानी इससे थोड़ा कम भी हो जाए तब भी वो व्यक्ति स्वस्थ माना जा सकता है, लेकिन अगर इससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तब एक प्रकार से वो व्यक्ति शिकार होगा उच्च रक्त दाब का। ठीक है, और इसमें अगर आइडियल जो मान होता है वो होता है इतना ही 60 से 80 mmHg, 60 से 80 mmHg। तो अपने और एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो मान होते हैं ये एक प्रकार से दर्शाते हैं कि एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब जो आइडियल रक्तदाब होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पे ये याद रखना है 120 डिवाइड 80 mmHg। ओके, तो आप लोग नोट कर सकते हैं ये। तो आगे अपने देखते हैं कि रक्तदाब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस कारण पैदा होते हैं रक्तदाब। चलो आपको बता देते हैं किस कारण पैदा होते हैं। रक्तवाहिनी दो प्रकार की होती है, धमनी और सिराएं होती है, और हम जानते हैं कि रक्तवाहिनियों के अंदर अगर देखा जाए तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी के अंदर, अशुद्ध प्रवाहित होता है सिराओं के अंदर। धमनी की जो आंतरिक भित्तियाँ होती है, दीवारें होती है, उनकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है भी। उनकी मोटाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी ये धमनी की भित्ति होती है जिनकी मोटाई सिराओं की अपेक्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे इसमें रक्त प्रवाहित होगा, जैसे इसमें क्या प्रवाहित होगा? रक्त प्रवाहित होगा तो एक प्रकार से दबाव पैदा होता है इसकी भित्तियों पर, दीवारों पर, और वो जो दबाव पैदा होता है ना उसी दबाव को बोलते हैं रक्तदाब। क्या बोलते हैं बच्चों? रक्तदाब। और धमनी और सिराओं के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रक्तदाब सहन करने वाली होती है वो होती है धमनी, क्योंकि इसकी दीवारें इसलिए मोटी होती है ताकि ये बहुत ज़्यादा रक्त दबाव को भी सहन कर सके, जबकि सिराओं में इसके ठीक उल्टा होता है, वो इतना रक्तदाब सहन नहीं कर सकती, इसलिए रक्तदाब का सबसे ज़्यादा मान होता है धमनियों के अंदर। ठीक है, इसलिए परिभाषा में मैंने धमनी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देख लेते हैं इसके प्रकार। रक्तदाब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है निम्न रक्त दाब। पहला जो प्रकार कौन सा है? निम्न रक्त दाब। दूसरा जो प्रकार है वो है उच्च रक्त दाब। दूसरा प्रकार कौन सा है बच्चों? उच्च रक्त दाब। परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है।
जब रक्तवाहिनियों में प्रवाहित रक्त की मात्रा कम होती है तो उस दाब को क्या कहेंगे अपने, निम्न रक्त दाब ठीक है, उसे कहेंगे निम्न रक्त दाब। उसके बाद में उच्च रक्त दाब, जब रक्तवाहिनियों में प्रवाहित रक्त की मात्रा अधिक होती है तो उस दाब को क्या कहेंगे बच्चों, उच्च रक्त दाब ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा अपने निम्न रक्त दाब की और ये हो गई अपने उच्च रक्त दाब की, ठीक है। दोनों का जो विशेष कारण क्या होता है वो देखते हैं। कारण में अगर पूछा जाए कि किस कारण ये जो दाब होते हैं, रक्त दाब होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण अपने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, मोटापा। वसा की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे इनकी जो दीवारें होगी उस पर दबाव पड़ेगा, तो रक्त की या तो मात्रा ज़्यादा प्रवाहित होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ेगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये दो रक्त दाब पैदा होते हैं। उसके बाद में अनिद्रा, क्योंकि स्लीपिंग टाइम और वॉकअप टाइम ये अगर ढंग से नहीं होगा तो ये रोग पैदा होंगे। उसके बाद में डर, चिंता, ईर्ष्या यानी और से जलन, भय क्योंकि डर यहाँ पे भय होता है। उसके अलावा आपने देखा जाए तो मोटापा हो चुका है, अनिद्रा हो चुका है, डर हो चुका है, चिंता हो चुकी है, ईर्ष्या हो चुकी है, खान पान में देखिए फास्ट फूड, क्योंकि फास्ट फूड इसको ही जन्म देंगे मोटापे को, फास्ट फूड, नशा एवं, क्योंकि नशे वाला टॉपिक आगे आएगा कि नशा किस प्रकार से एक आम जिंदगी, आम जो व्यक्ति होता है उसकी ज़िंदगी को कैसे बिगाड़ देता है, कैसे ख़राब कर देता है, तो उसमें पढ़ेंगे अपने किस प्रकार से होता है ये। उसके अलावा व्यायाम का अभाव यानी कि कसरत की कमी, ये अगर नहीं करेंगे तो एक प्रकार से व्यक्ति जो होगा इनका शिकार होगा, साथ में मोटापे का शिकार होगा, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी अपने हाइपरटेंशन सब पढ़ा था ना, हाइपरटेंशन अति तनाव, यानी तनाव व्यक्ति लेगा तो एक प्रकार से वो भी इस लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर और हाई बीपी, अपने बीपी शब्द का प्रयोग स्थानीय भाषा में करते ही हैं कि बीपी कम हो गई, बीपी चढ़ गई, कई बार ऐसे ही बोलते हैं पारा चढ़ गया, पारा कम हो गया, यानी कि गुस्सा करना एक प्रकार से, क्योंकि ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन स्वाभाविक है इंसान के शरीर के अंदर, उसकी मानसिक क्रियाओं के अंदर, तो अपने आप उसकी बीपी या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये कारण हो गया। प्रभाव देखा जाए तो किन किन अंगों पर प्रभाव डालती है, मानसिक क्रियाएं होंगी तो मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन गैस प्रवाहित नहीं होगी, और वो अगर दिमाग को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिलेगी, तो दिमाग कार्य करना बंद कर देगा, और कभी कभी तो अगर स्थिति और ज़्यादा भयानक हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद हृदय, क्योंकि हृदय भी एक प्रकार से जो शुद्ध रक्त होता है, जो अशुद्ध को शुद्ध करता है, मतलब सहायक अंग होता है,
वो भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी कार्य करना बंद कर देगा अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो। उसके बाद में अपने एक जोड़ी होते हैं वरक, सेम के आकार के, सेम के बीज के आकार के, यानी कि गुर्दे, ये भी कार्य करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे अगर ये कंडीशन दोनों की दोनों होती है शरीर के अंदर तो। तो ये बच्चों रक्तदाब दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं, ये इसकी परिभाषा है। एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको परिभाषा लिखनी है, दोनों ही परिभाषाएँ आ जाए तो आपको ऐसे अंतर के तौर पर दोनों परिभाषाएँ एक साथ लिख सकते हैं। और जो कॉमन चीज़ है वो कारण यही है कि मोटापा होगा, अनिद्रा होगी यानी कि नींद की कमी होगी, डर, भय, चिंता, ईर्ष्या और फास्ट फूड का सेवन, नशा और व्यायाम की कमी, अति तनाव। प्रभाव अगर देखा जाए तो प्रभाव में आपको ये लिखना है कि मस्तिष्क हृदय वरक की क्रियाविधि प्रभावित होती है। क्रियाविधि क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी इनकी कार्य करने की जो एक प्रकार से क्रियाविधि होती है जो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी और ये अंग आगे जाके क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, सारा टॉपिक पसंद आए होंगे। अपने मोटापा पढ़ चुके हैं और रक्तदाब पढ़ चुके हैं तो आप लोग ये डिनोट कर सकते हो, पहले तो डिनोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। नोट कर लिया होगा तो ये कारण प्रभाव हो चुके हैं। अगर बचाव देखा जाए कि बचाव कैसे करना है तो बचाव वाला देख सकते हो कि बचाव अपने यहीं पे लिख देते हैं, आई होप आपको दिख जाएगा स्क्रीन के अंदर। बचाव क्या है कि भोजन में कुछ आवश्यक खनिज लवण होते हैं उसकी मात्रा को शामिल कर दो, यानी कि जैसे सोडियम को शामिल कर दो, मैग्नीशियम को शामिल कर दो, पोटेशियम को और पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। भोजन के अंदर इनकी मात्रा होनी चाहिए, संतुलित मात्रा होनी चाहिए। और उसके अलावा खानपान में फास्ट फूड जो होता है, फास्ट फूड का सेवन बंद कर दो, यानी फास्ट फूड अगर ये संतुलित, अगर भोजन आपको चाहिए, संतुलित भोजन आपको आवश्यकता है, शरीर को आवश्यकता है, तो अपने फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ व्यायाम, व्यायाम करें। उसके लिए जैसे योगा है, ठीक है, और जैसे कसरत बोल सकते हैं वैसे इसको, कसरत है, ठीक है, खेल कूद है, और आपको पहले ही बताया था साइकिलिंग वगैरह, अलग अलग जो वैरायटी होती है एक्सरसाइज की वो आप लोग कर सकते हो। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अपने कल वाले प्रश्न देखते हैं कि कल वाले प्रश्न कौन कौन से थे। तो कल जो प्रश्न पूछे गए थे ये पहले वाली क्लास के अंदर, वो प्रश्न था कि मानव शरीर के अंदर जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस वर्णक और किस प्रोटीन के कारण होता है। तो बच्चों उसका सही जवाब है आरबीसी का जो लाल रंग होता है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स, वो होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। यानी हीमोग्लोबिन में जैसे ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस शामिल हो जाएगी तो हमारे जो शरीर का जो रंग होगा यानी शरीर का रक्त का रंग होगा वो लाल हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था वो ये था कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जिसमें जल को बचाने के लिए एक प्रकार से संकल्प लिया जाता है कि जल को कैसे बचाएं, क्योंकि सेव अर्थ सेव ट्री सेव वाटर, ये नारा एक प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए होता है। तो सही जवाब था 22 मार्च को। सही जवाब क्या था बच्चों, 22 मार्च को, ठीक है। तो ये दो प्रश्न हो गए, आई होप यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और अगले दो प्रश्न आपको लास्ट में दिखाई दे जाएंगे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी जो कुंजी है, सबसे बड़ी जो गारंटी है वो स्वास्थ्य ही है। और दुनिया में हम जानते हैं कि कई दरवाजे
तब तक नहीं खुलते जब तक हम ये नहीं कहते मे आई कम इन। यानी कि स्वास्थ्य के लिए आपको कहना है मे आई कम इन, और फास्ट फूड को, अस्वास्थ्य को, बीमारियों को बोलना है गेट आउट। तो ये आपको करना होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी एंड कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।